वेलकम टू माय चैनल। आज हम भुट्टा बना रहे हैं, उसके लिए कुछ हमने भुट्टे लिए हैं और अभी हम इसको अच्छे से छील लेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हमने अच्छे से सबको इसे छिलका उतार दिया है। सबसे पहले हमने इसके साइड से दोनों कट कर लेने हैं। अभी हमने सबको इस तरह से कट कर दिया है और टूथपिक की हेल्प से हमें इसके बीच में इसे डाल देना है और अच्छे से प्रेस करके इसे निकाल देना है। अच्छे से पूरी तरह से सब निकल जाएंगे और आप इसी तरह से देख सकते हो निकल गए हैं। सबको हमने इसी तरह से निकाल देना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हमने सबको इसी तरह से स्टिक में डाल दिया है और अभी हमें इसको एक पानी में डाल के इसको एक उबाइल कर देना है नमक डाल के। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये अच्छे से उबाइल हो गए हैं। अभी हम इसको छन्नी की हेल्प से पूरा पानी निकाल देंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इसका पूरा पानी निकल गया है। अभी हम एक बाउल में इसको डाल देंगे और इसमें नमक और कॉर्नफ्लोर थोड़ा ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। थोड़ा सा पिंच मैंने अभी इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। अभी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और अच्छे से फ्राई करना है। अभी जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। हमने इसमें दो चम्मच डाले थे कॉर्नफ्लोर और नमक, थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम एक एक करके इसको फ्राई कर देंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अच्छे से अभी फ्राई हो गए हैं। तो अभी हमने इसको अच्छे से तेल से निकाल देना है और सर्व कर देना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हमने एक प्लेट में डाल दिया है। अब इसमें हमने चाट मसाला भी डाल देना है, थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर डाल देना है इसके ऊपर और तैयार हो जाएगा। और अभी हम ये रेडी है। अभी हम इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।